हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इग्नू जनवरी 2021 सेशन के लिए अगर आप न्यू एडमिशन लेना चाहते हो तो उसका एडमिशन फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। तो पहले हम ignu.ac.in ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको रजिस्टर ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करके हम फ्रेश एडमिशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स बताई जाएंगी। अपने मोबाइल की स्क्रीन को डेस्कटॉप मोड में कन्वर्ट करके फॉर्म फिल करेगा अगर आप मोबाइल से फिल कर रहे हैं तो मैंने इसको डेस्कटॉप मोड में कन्वर्ट कर दिया है। तो मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पर आ चुका हूँ। तो पहले मेरे को सबसे ऊपर क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नज़र आ रहा है। बाकी उसके अलावा नीचे अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा तो कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स मुझे बताई गए हैं, यानी कि जो ब्रीफ स्टेप हैं वो मुझे बताए गए हैं कि पासवर्ड में आपको कैसे बनाना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके रखने हैं। तो डॉक्यूमेंट एक बार देख लेते हैं। आपको स्कैन फोटोग्राफ, स्कैन सिग्नेचर और एज प्रूफ, जिसमें आपकी 10th की मार्कशीट चल जाएगी, और रिलेवेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ग्रेजुएशन का जो भी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है, यदि आप ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो क्लास 12th का, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसका सर्टिफिकेट आप लगा सकते हो। अगर आप रिज़र्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC ST OBC, तो उसका सर्टिफिकेट लगाओगे। अगर आप BPL कैटेगरी में आते हो तो उसका सर्टिफिकेट लगाओगे। ऑनलाइन फ़ीस जो होगी एडमिशन की, वो आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू पे करनी होगी या नेट बैंकिंग के थ्रू, ठीक है। तो डायरेक्ट एडमिशन होता है, इसमें डायरेक्ट एडमिशन फ़ीस पे करी जाती है। जितनी भी कोर्स फ़ीस होती है उसको ईयर वाइज आप पे करना होता है। लाइक 15,000 रुपये MCOM की फ़ीस है तो 7,500 रुपये आपके एक बार में जाएंगे, ठीक है। इट इज़ सजेस्टेड टू स्कैन डॉक्यूमेंट फ्रॉम योर ओरिजिनल वंस यू हैव अपलोडेड द डॉक्यूमेंट क्लिक द। तो ये लोग बोल रहे हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट ऊपर बताए गए हैं उसको ओरिजिनल सबमिट करेंगे तो ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो पहला काम आपको क्या करना है, ऊपर आपको जो क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों अगेन आपको ब्रीफ में स्टेप बताए जा रहे हैं, ऊपर अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आपको अपना यूज़र नेम, ठीक है, और एप्लीकेशन फुल नेम, जो आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम है वो लिखना है, और अपनी ईमेल आईडी लिखनी है दो बार, ठीक है। पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे अपना, दो बार यहाँ पे लिखेंगे। पासवर्ड में अल्फ़ाबेट, नंबर और करेक्टर वर्ड यूज़ करिएगा, अपर केस लेटर भी यूज़ करिएगा और लोअर केस भी। मोबाइल नंबर लिखेंगे दो बार, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वही लिखिएगा जो आपकी एक्टिव हो, जो आपकी पर्सनल ईमेल आईडी हो, बिकॉज़ जो फर्दर इन्फॉर्मेशन होगी वो आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के थ्रू ही आपको बताई जाएगी, जो इंडक्शन मीटिंग क्लासेस वगैरह होती हैं उसकी इन्फॉर्मेशन। तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पर लिख देंगे। यूज़र नेम भी आपको लिखना है, ठीक है, ये लॉगिन करने के लिए काम आता है। तो ये सब चीज़ें एंटर करने के बाद जो एक कैप्चा कोड है उस पर क्लिक करने के बाद रजिस्टर बटन पर आपको, रजिस्टर बटन पे क्लिक करते ही ऊपर आप देखोगे कि भाई योर अकाउंट इज़ क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉग इन एंड अप्लाई इन प्रोग्राम। तो आपका रजिस्ट्रेशन वाला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। आपको ईमेल भी आ जाएगा, उस ईमेल में आपका जो भी यूज़र नेम होगा, पासवर्ड होगा, वो आपको शो हो जाएगा। मोबाइल नंबर पर आपके SMS भी आ जाएगा, ठीक है। अब ये मुझे वापसी ले गया लॉग इन वाले पेज पर। अब मैं नीचे आऊँगा तो यहाँ पर देखिए जो आपको यूज़र नेम जो आपने क्रिएट किया है और पासवर्ड, उसके थ्रू आप लॉग इन करोगे। तो लॉगिन करने के बाद दोस्तों अगेन आपको कुछ डिटेल्स यह बताएगा। पहला पॉइंट ये कहता है कि अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो पहले प्रोग्राम टैब में जाकर जिस भी प्रोग्राम के बारे में, मतलब जो भी प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हो तो उसकी पूरी डिटेल पढ़ लीजिएगा, ठीक है। प्रोस्पेक्टस पढ़ लीजिए और सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ लीजिए, और ये डॉक्यूमेंट रेडी करके रखिए, और पेमेंट के लिए ये सब मोड रेडी करके रखिए। नोट, फर्निशिंग ऑफ इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन वुड लीड टू रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, गलत इन्फॉर्मेशन कोई गई तो वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो ये फर्स्ट टाइम आपको दिखाएगा, तो मैं इसको आई हैव रीड पे क्लिक कर देता हूँ और सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ और फर्दर प्रोसीड कर लेता हूँ। उसके बाद ये देखिए आपका स्टेप शुरू हो गया। ऊपर आप देख रहे होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 8 स्टेप हैं। तो फर्स्ट स्टेप में ये लोग क्या कह रहे हैं, जो आपका पर्सनल डिटेल है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर लिखनी है। आपका नाम, मदर नेम आ जाएगा, गार्डियंस रिलेशन, मदर्स का रिलेशन देना चाहते हैं, फादर्स का या हस्बैंड का, जो भी है। अगर आप मदर्स का रिलेशन दोगे तो यहाँ पे आप मदर का नाम लिखोगे गार्डियन नेम के अंदर। मदर का नाम ऊपर ऑलरेडी आ रहा है तो यहाँ पर आप फादर्स करके फादर का नाम भी नीचे गार्डियंस नेम के सेक्शन में लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर बारी आती है डेट ऑफ बर्थ की, कैटेगरी की, कैटेगरी जनरल, SC ST OBC, ठीक है, या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो भी है वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। अपना जेंडर चूज़ करना है आपको, सिटीजनशिप चूज़ करनी है इंडियन, ओके, और टेरिटरी या फिर स्टेट, सॉरी यहाँ पे ये पूछ रहे हैं
आप अर्बन एरिया से हो या रूरल एरिया से हो, जिस भी एरिया से हो आप वो यहाँ पर चूज़ करोगे। ओके, उसके बाद माइनॉरिटी है येस या नो, उसके अकॉर्डिंग आपको चूज़ करना है। रिलीजन क्या है आपका वो यहाँ पर चूज़ करना है, और आप मैरिड हो या सिंगल हो वो चूज़ करोगे, और सोशल स्टेटस आपका क्या है, कश्मीरी माइग्रेंट तो नहीं हो, एक्स सर्विस मैन तो नहीं हो, अगर हो तो वो चूज़ करोगे, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल। और आधार कार्ड, आधार कार्ड के आगे वैसे रेड लोगो लगा हुआ नहीं है, मतलब रेड मार्क लिखा हुआ नहीं है, फिर भी आप आधार कार्ड की डिटेल यहाँ पर लिख देना। उसके बाद अदर डिटेल के सेक्शन में आपको ये PWD हो या नहीं वो, अगर येस करोगे तो उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, आप अनएम्प्लॉयड हो या फिर इग्नू रेगुलर एम्प्लॉय हो, इग्नू में एम्प्लॉयड हो, अगर किसी अदर फर्म में एम्प्लॉय हो तो एम्प्लॉयड लिखोगे, KVS एम्प्लॉय हो तो KVS लिखोगे, अदरवाइज अनएम्प्लॉयड आप लिखोगे अगर बेरोज़गार हो तो। उसके बाद स्कॉलरशिप डिटेल यहाँ पर आपको लिखनी है, ठीक है, किसी से आपको स्कॉलरशिप मिल रही है तो वो यहाँ पर उसकी डिटेल यहाँ पर आप लिखोगे। अपनी फैमिली इनकम है और BPL से नीचे आते हो या नहीं वो चूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद उसको सबमिट करना है, फर्दर प्रोसीड करना है। उसके बाद आपको ये डिटेल दिखाएगा कि एक बार चेक कर लीजिए, नीचे आओगे तो यहाँ पे तीन ऑप्शन आपको मिलेंगे, एडिट, प्रीवियस और नेक्स्ट। अगर एडिट करना है तो एडिट पे जाकर एडिट कर सकते हो, अदरवाइज़ नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, और जो भी स्टेप आप कंप्लीट करते रहोगे दोस्तों तो हर स्टेप के बाद आपको ऐसा पेज शो होगा जहाँ पर तीन ऑप्शन आएंगे, ठीक है। तो फिलहाल इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, और जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो है प्रोग्राम डिटेल का। अब प्रोग्राम टाइप यहाँ पे चूज़ करना है, ठीक है, सर्टिफिकेट, बैचलर, डिप्लोमा, मास्टर, सपोज मैं मास्टर चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद मोड ऑफ स्टडी, ODL चूज़ करूँगा। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान से समझ देना कि अगर आप बैचलर चूज़ करते हो तो इसमें CBSE सिस्टम आ चुका है, ठीक है, तो इसमें आप प्रोग्राम भी चूज़ करना पड़ेगा आपको, BA ऑनर्स या BA प्रोग्राम या BCOM। तो इसमें दोस्तों काफ़ी कोर्सेज में वैराइटीज़ हैं, तो मैंने अलग अलग कोर्सेज़ के ऊपर सब्जेक्ट सेलेक्शन के ऊपर वीडियो बना रखी है, आप उसको डिस्क्रिप्शन में जाकर ज़रूर से देख सकते हो, ठीक है। मास्टर्स कोर्सेज़ में फर्स्ट ईयर में एज पर तो ऐसा कोई चॉइस नहीं होती, सारे सब्जेक्ट यहाँ पे फिक्स्ड ही होते हैं, मेन ही होते हैं, लेकिन जो CBCS वाले UG कोर्सेज हैं उसमें आपको कुछ सब्जेक्ट की चॉइस करनी होती है, लाइक आपको MIL में चूज़ करना होता है, जेनरिक में कुछ चूज़ करना होता है, तो वो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं मास्टर्स चूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर अगेन, या मैं फिर मैं बैचलर ही रहने देता हूँ ताकि आपको प्रैक्टिकली दोबारा इसमें करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं बैचलर ही चूज़ कर लेता हूँ, कोई भी बैचलर में प्रोग्राम में यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ, लाइक मैंने BA ऑनर्स, चलिए मैंने BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स चूज़ कर लिया। अब रीजनल सेंटर, अब यहाँ पर देखिए रीजन कोड यहाँ पर लिखना है आपको, किस रीजन में आप एडमिशन लेना चाहते हो, दिल्ली से हो तो दिल्ली में लोगे, ठीक है, तो जो भी आपका रीजन है वो यहाँ पर आप चूज़ करोगे। तो मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ, अब दिल्ली में भी तीन है, राजघाट, द्वारका या फिर ये मोहन स्टेट, तो मैं राजघाट वाला चूज़ कर लेता हूँ। अब प्रोग्राम स्टडी सेंटर, तो जो भी आपने रीजनल सेंटर चूज़ किया होगा उसके अंदर जितने भी स्टडी सेंटर आते होंगे उसकी लिस्ट होगी, यहाँ पर आपकी क्लासेस होती हैं, असाइनमेंट वगैरह सबमिट करने होते हैं, तो वो सब चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ पर रैंडमली कुछ भी चूज़ कर लेता हूँ, आप गूगल पे अपना एरिया चूज़ करके इसमें चूज़ करिएगा, मीडियम, किस मीडियम में आप ये कोर्स पढ़ना चाहते हो, इंग्लिश मीडियम में। और ये आर यू ऑलरेडी स्टूडेंट ऑफ इग्नू, क्या आप इग्नू के ऑलरेडी स्टूडेंट हो किसी और कोर्स में, नहीं जी, अगर हो गए तो येस कर देना। इसको मैं सबमिट करता हूँ, देन अगेन एक सेकेंड, कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैंने शायद नहीं चूज़ करी, इसको फिर मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। फिर जो हमारा तीसरा स्टेप है वो है रिलेवेंट क्वालिफिकेशन का। अब ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया तो ऑफकोर्स यहाँ पे 10+2 ही मुझे शो होगा, अगर मैं मास्टर्स करके आता तो मेरे को ग्रेजुएशन भी यहाँ पर शो होता, तो 10+2 चूज़ करूँगा। अब मैंने कॉमर्स स्ट्रीम से करी है तो इसको मैं चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। और ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर में मैंने पास आउट करी है वो चूज़ करूँगा। डिवीज़न क्या थी मेरी, तो अगर 60 से ऊपर मार्क्स आते हैं तो फर्स्ट होती है, 50-60 के बीच में सेकंड होती है, 60-50 से कम है तो थर्ड होती है। तो मैं यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेता हूँ कितने परसेंट मार्क्स थे मेरे, वो यहाँ पे चूज़ करूँगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर फर्स्ट डिवीज़न चूज़ करी तो उसके अकॉर्डिंग ही मेरे को वहाँ पर मार्क्स शो होंगे, 60 से ऊपर का ही शो होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर परसेंटेज चूज़ कर लेता हूँ। बोर्ड कोड, जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसका बोर्ड का कोड क्या है, अगर इसमें है तो ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पर एक सबसे नीचे नॉट लिस्टेड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे और बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम खुद से आप लिख दोगे, ठीक है। अदरवाइज़ जो भी आपका बोर्ड अगर इस लिस्ट में है तो ऑफकोर्स आप लिस्ट से ही यहाँ पर चूज़ करोगे। तो मैं यहाँ पर ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पर
अपना रोल नंबर लिखना होगा क्लास ट्वेल्थ का, बिकॉज मैं ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो ट्वेल्थ का लिखूंगा। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे होगे तो ग्रेजुएशन में जो आपका रोल नंबर होगा वो यहाँ पर लिखोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। उसके बाद सबमिट करके अगेन मैं यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। फिर मेरा फोर्थ स्टेप है कोर्स सिलेक्शन। अभी जो इम्पोर्टेंट स्टेप है, ये ऊपर वाला ऑप्शन है कि आई ऑप्ट फॉर रिसीव द स्टडी मटेरियल इन डिजिटल फॉर्म एंड अवेल 50% प्रोग्राम फी। मैं आपको बता देता हूँ कि इग्नू में अगर आप जो स्टडी मटेरियल का ऑप्शन है अगर वो डिजिटल फॉर्म वाला चूज़ करते हो तो आपको ऑन द स्पॉट 15% का डिस्काउंट मिलेगा फीस में। ठीक है, यदि अगर आपको नहीं लेना डिस्काउंट, अगर आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट है, स्टडी मटेरियल में इंटरेस्ट है प्रिंटेड फॉर्म में, तो आप प्रिंटेड वाला ही ऑप्शन चूज़ करोगे। ठीक है, अब उसके बाद नीचे यहाँ पर बारी आती है मेरी सब्जेक्ट की। तो यहाँ पर मेरे को सब्जेक्ट दिखा रहा है खुद से ही। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट आप देख लीजिएगा। प्लीज़ सेलेक्ट एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स फॉर सेकंड सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर में इन लोगों ने EVS ऑटोमेटिकली दे दिया। ठीक है, इसके अलावा जितने भी अदर सब्जेक्ट है मेरे पास, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिकल मेथड फॉर इकोनॉमिक्स है, कंपलसरी में आपका गवर्नमेंट इशूज़ एंड चैलेंजेस है। तो मेरे को खाली सेकेंड सेमेस्टर का चूज़ करना है, तो मैं इंग्लिश कम्युनिकेशन चूज़ कर लेता हूँ। सबमिट करता हूँ। प्लीज़ सेलेक्ट एबिलिटी एनहांसमेंट। ओके, एक बार फिर से चूज़ करते हैं, फिर सबमिट करते हैं। फिर यहाँ पर आके मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। देन जो फिफ्थ स्टेप होगा हमारा वो होगा एड्रेस का। आपको अपना कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो एड्रेस प्रोवाइड करके मैं नेक्स्ट फर्दर प्रोसीड करता हूँ। अब उसके बाद जो अगला स्टेप है वो दोस्तों डॉक्यूमेंट का है। अब हम बिल्कुल लास्ट, मतलब सेकंड लास्ट स्टेप तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है। इसका साइज़ भी देखिए पूरा गिवन है, 100 KB तक का मैक्सिमम होना चाहिए। सिग्नेचर अपलोड करना है। एज प्रूफ में 10th की मार्कशीट आप अपलोड करोगे, मैट्रिकुलेशन मार्कशीट और सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट अगेन ये लोग मांग रहे हैं। उसके बाद 10+2 यानी कि जो आपका क्लास 12th की मार्कशीट है वो अपलोड करोगे। अदर्स में कुछ नहीं करना आपको, अदर्स में अपलोड। प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो वो एक अपने अदर्स के सेक्शन में अपलोड कर देना। तो ये सब डॉक्यूमेंट अपलोड करना है दोस्तों। आपको नेक्स्ट पे जाना है, फिर आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म शो होगा, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपको अभी भी एडिटिंग करनी है या नहीं। इसके बाद वाला जो स्टेप होगा, डॉक्यूमेंट के बाद वाला स्टेप, उस स्टेप में आपसे आखिरी बार पूछा जाएगा कि आपको एडिटिंग करनी है या नहीं। अगर आप उसको फाइनल सबमिट करके आगे प्रोसीड कर देते हो तो भाई फिर आप इसमें एडिटिंग नहीं कर सकते, आपको फिर फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो बिल्कुल सोच समझ के फॉर्म फिल करना है, डॉक्यूमेंट केयरफुली अपलोड करना है। फोटोग्राफ और सिग्नेचर के अलावा बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आप PDF फाइल में भी अपलोड कर सकते हो, लाइक 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, तो काफ़ी ईजी है अपलोड करना है, आप ईजिली अपलोड कर लोगे। और यहाँ पे फिर उसके बाद सारी अदर जो चीज़ें हैं उसको चेक करके जो भी आपका एडमिशन फ़ीस है उसकी पेमेंट आप कर दोगे। और एडमिशन कंफर्म होने में टाइम लगता है, कई बार एक महीने भी लग जाता है, उससे ज़्यादा भी लग जाता है, और कई बार 10 दिन के अंदर भी कंफर्म हो जाता है। तो जब आप पेमेंट कर दोगे तो यहाँ से अपना जो स्टूडेंट डैशबोर्ड है वो ज़रूर से चेक करते रहिए। वहाँ पर आपको जो भी डिस्क्रिपेंसी अगर आती है तो वो भी शो होगा, अगर एडमिशन कन्फर्म होता है तो वो भी वहीं पर आपको शो होगा। तो यही दोस्तों आज की इस वीडियो में अपडेट थी। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। कोई और क्वारीज हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।